लगता
आराधना जब करते हैं हम, आराधना जब करते हैं हम, आराधना जब करते हैं हम। आइए उस परमेश्वर की आराधना करें। सचमुच जिहड़े लोग उस परमेश्वर की आराधना करने वाले होन, उन्होंने खुदावन परमेश्वर मसीह तो इलावा होर कुछ भी चंगा नहीं लगता है। पवित्र बाइबल विच एक बहुत अच्छी स्टोरी है सदरक मेशक अबदनगो बारे। उन्हां दी एक खासियत है, वो अपने ईमान विच मजबूत हैं। वो राजे नूं कहिंदे हन कि बेशक सानू मार क्यों ना दिता जावे, साडा परमेश्वर ओ यहोवा है, असी उसदी ही उपासना करांगे। वो सानू बचावे चाहे ना बचावे, पर असी उस खुदावन दे अगे ही अपने सीस झुकाउणे हन। सो आइए, जिस तरह उन्होंने अग की पट्ठी में सुट्टा जाता है, वो अपने आप को कल्या नहीं महसूस करते, उन्होंने बचाने के लिए खुद प्रभु यीशु मसीह अग की पट्ठी में आते हैं। आइए उस परमेश्वर की आराधना करते हुए गावांगे। मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा। गाइए, मैं नहीं कल्ला। आइए अपने आप को कल्याण महसूस करें, उस प्रभु यीशु मसीह को कहिए, प्रभु तू मेरे नाल है खुदा। जो कर देने बंदगी ओना दी सुने दुआ, जो कर देने बंदगी ओना दी सुने दुआ। मैं नहीं गल्ला, मेरे नाल है खुदा। मैं नहीं गल्ला, मेरे नाल है खुदा। हो शदरक मेशक अबदनगो नू बल दी अग विच पाया, बल दी अग विच आप खुदावंद पुत्र बन के आया। सदरिक में शके अबदन गोनू बल दी अग विच पाया, बल दी अग विच आप खुदावंद पुत्र बन के आया। ओ अपने बंदियां दे रहिंदा ऐ नाल सदा, ओ अपने बंदियां दे रहिंदा ऐ नाल सदा, ओ अपने बंदियां दे रहिंदा ऐ नाल सदा, ओ अपने बंदियां दे रहिंदा ऐ नाल सदा। मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा। मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा, मेरे नाल है खुदा। प्यारियो, अज फिर असी खुदा दी हजूरी विच आए हाँ, प्रभु दी हजूरी विच आए हाँ, उस दी बंदगी करन लई, उस दी आराधना करन दे लई। असी प्रभु दे अगे अपना शीश निवाई, प्रभु दे अगे नीवें होईए, प्रभु कोलो बरकता मंगीए, प्रभु नूं कहीए कि साडे उत्ते हथ रख, सानू माफ़ कर, सानू बरकत दे, साडे परिवारां नूं बरकत दे, साडे घर दे जीआं नूं बरकत दे, साढ़े बच्चों नूं बरकत दे, खास करके जो ईमान तो भटक गए हैं, खास करके जो गिरजा तो दूर हो गए हैं, जो खुदा दा वचन नहीं सुनना चाहते, असीं उन्हां सारे बच्चों लई दुआ करिए, अपने खानदान दे लई दुआ करिए, क्योंकि प्रभु साढ़े नाल है। यही प्रभु है जो साड़ी सुनता है, जो साढ़े ते रहम करता है, जो सानू अपने नाल लेके चलता है। असीं उस प्रभु की आराधना विच हाजिर होइए, उसके वचन नूं सुनिए, उस उत्ते गौर करन दी कोशिश करिए,
इस पवित्र कड़ी विच खुदा नू स्वीकार करिए, खुदा दे नाल चुड़िए। प्रभु जे साढ़े नाल है तो साढ़े विरुद्ध कौन हो सकता है, इसलिए प्रभु साढ़े नाल है। अते ओ सानू हमेशा अपनी रहनमाई विच रखना चाहता, तो अस इस आराधना बंदगी दे विच खुदा दा वचन सुनिए। अज खुदा दा वचन असी सैमुअल दी पुस्तक विचों लिया है, सॉरी डैनियल दी पुस्तक विचों लिया गया है, जो तीन बाप तो 14 तो लैके 20 तक पढ़ांगे, जिस विच असी अज ईमान दियां बहुत ही मजबूत गवाहियां देखांगे, ईमान दियां मजबूत गवाहियां। असी सुनिया है तीन बाइबल विच तीन लोग होए जिन्हां नूं बल दी पट्ठी विच सुट जाण दा डरावा दिता गया, पर फिर भी वह दूसरे देवत्यां दे अगे घुटने नहीं टेकना चाहुंदे। कहिंदे कि साडा खुदा सानू बचावेगा, जे साडा खुदा सानू नहीं भी बचाउंदा असी फिर भी दूसरे देवत्यां दे अगे घुटने नहीं टेकने, असी किसी दूसरे देवते दे अगे मत्था नहीं टेकना, बेशक सानू बल दी पट्ठी दे विच सुट दिता जावे। किहड़े लोग हन, असी सुनिया होया, उन्हां दे गाने भी सुने हुए ने, सदरक मेसक अते अबेदनेगो, तीन खुदा दे पक्के विश्वासी। इन्हां ने उस राजे नबूकदनेस्सर दा कहना नहीं मन्या अते इन्हां नूं बल दी पट्ठी दे विच सुट दिता गया। बल दी पट्ठी दे विच्चों ही खुदा दी वड्याई कर रहे, इन्हां नूं कुछ हो नहीं रहा, इन्हां नूं अग नहीं लग रही, पट्ठी नूं होर तेज किया जा रहा, अग नूं होर भी तेज किया जा रहा, पर इन्हां लोकां नूं कोई फर्क नहीं पैंदा, प्रभु दी वड्याई कर रहे हो। तो फिर असीं देखदे हां कि राजा देखदा एक खास नज़ारा देखदा पट्ठी दे विच, वो कहिंदे असीं तां तीन बंदे सुट्टे सी, चौथा कौन आ गया हुण? वो खुदा दा फरिश्ता भी उन्हां दे नाल घूम रहा सी। यह है विश्वास की शक्ति। साढ़े उत्ते किसी भी तरह का दुख मुसीबत आ जाए, जे असी सच्चे दिलों खुदा नाल प्यार करते हाँ, सच्चे दिल नाल उसनू मनते हाँ, तो उहदी शक्ति साढ़े हर एक काम विच जाहिर हुंदी है, साड़ी हर मुश्किल विच उसकी शक्ति जाहिर हुंदी है। जबकि सारी नबूकदनेस्सर दा सारा राज, सारे लोग उस अगे मत्था टेकन नूं तैयार नहीं, पर ये तीन लोग ना करते। जो सारी दुनिया इन्हां दे विरुद्ध है पर फिर भी नहीं मानते, क्योंकि इन्हां नूं अपने खुदा उत्ते विश्वास, उन्हां नूं पता सी कि साडा खुदा जिंदा खुदा है, साडा खुदा सानू बचा लेगा। तो असी ये देखते हाँ कि राजा एक अजीब नज़ारा देखता, राजा नबूकदनेस्सर पट्ठी दे अंदर दा नज़ारा वेख के हैरान हो गया। उसने अपने सलाहकारां तो पुछया कि असी तीन आदमियों नूं कपड़ियां समेत बन के पट्ठी विच नहीं सुट्टिया सी? उन्होंने कहा, हाँ महाराज तुसी ठीक कह रहे हो। राजे ने उत्तर दिता, पर मैनू तां पट्ठी विच चार मनुख टहलदे नज़र आ रहे, सड़न का कोई निशान नज़र नहीं आ रहा है, चौथा मनुख स्वर्ग के फरिश्ते वांग लग रहा है। यह है साढ़े विश्वास की शक्ति, यह है खुदा की शक्ति। जे असी उसनू मानते हाँ, जे असी उस उत्ते विश्वास रखते हाँ, खुदा साड़ा साथ नहीं छड़दा कदे, खुदा सानू शर्मिंदा नहीं होन दिंदा, खुदा साढ़े विश्वास नू दूसरों के सामने घटन नहीं दिंदा।
जे असी सच्ची विश्वास करते हैं। तो इसलिए प्यारियो असी खुदा की भगती करते हैं, खुदा की आराधना करते हैं, खुदा की बंदगी करते हैं, खुदा के वचन सुनते हैं, पर सानू पता है कि असी अपने विश्वास विच उन्ने मजबूत नहीं है जो सानू अज सुनने लिए मिलिया है। इसलिए कई बार असी अपनी मुश्किलों विच ही उलझे रहने, असी अपने दुखों विच ही रह जाने, क्योंकि साड़ा विश्वास त्रेल वांग है। थोड़ी देर विच असी विश्वास करते हैं, फिर साड़ा विश्वास कट जाता, पर इस तरह का विश्वास नहीं। इन्हां तीन महारथियों वांग, इन्हां तीन खुदा विच विश्वासियों वांग, असी जे खुदा ते विश्वास प्रगट करांगे तो असी जिंदे रहांगे, नहीं मरांगे। आओ असी अज इस आराधना बंदगी विच खुदा कोलो आत्मिक विश्वास की मंग करिए कि असी अपने विश्वास विच मजबूत रहिए। दुखां दे वेले, मुसीबतां दे वेले खुदा नूं ना भुलिए। अज दी अंजील विच वी जो यूहन्ना दी अंजील 8 बाप दी 31 आयत तों 42 आयत तक सानू वचन नहीं सुनन लई मिलदा है, जिथे यीशु मसीह दसदे हन कि जेकर तुसी मेरे वचन विच बने रहोगे तां तुसी सचमुच मेरे चेले होवोगे, तां तुसी सत नूं जाणोगे अते सत तुहानूं आजाद करेगा। उस समय दे ज्ञानी लोग प्रभु यीशु मसीह नूं कहिंदे ते असीं ते कदी गुलाम ही नहीं होए, असी आजाद होने की सानू की जरूरत है, असी आजाद किस तो होना है, क्योंकि असी अब्राहम की औलाद हाँ, असी किसी के गुलाम नहीं रहे। असी अब्राहम की संतान हाँ तो कभी किसी की गुलामी विच नहीं रहे। तू किस तरह कहता है कि तुसी आजाद किते जाओगे? प्रभु यीशु मसीह नूं प्रश्न पूछते हैं। प्रभु यीशु मसीह उन्होंने दसते हैं, जे तुसी अब्राहम की संतान होंगे, जे तुसी खुदा दियां सिक्ख्यावां नूं मानदे हुंदे तो तुसी मेरा विरोध ना करदे, तां तुसी मैनूं जान लैंदे कि मैं कौन हाँ। ते इस लई अज प्रभु यीशु मसीह भी सानूं ईमान विच बुलांदे ने। क्योंकि जो लोग प्रभु यीशु दे ईमान विच आए वह प्रभु यीशु मसीह के चेले बन गए, उन्होंने सच्चाई का ज्ञान होया अते ओ हनेरे तो चानन विच आए, आजादी विच आए। इस तरह ईमान साढ़े जीवन विच बहुत वड्डा रोल अदा करता है। ईमान एक इंसान वांग है, क्योंकि ईमान दे नाल ही असी खुदा नाल गलबात कर सकते हैं, ईमान दे नाल ही असी खुदा दे अगे प्रार्थना कर सकते हैं, ईमान दे नाल ही असी पापां दी माफ़ी मांग सकते हैं, ईमान दे नाल ही साडा रिश्ता जड़ा है खुदा नाल जुड़िया रहिंदा है। ईमान दी खातर ही खुदा ने सदरक, मेसक अते अबेदनगो नूं अग दी भट्ठी विचों बचाया। ईमान दे नाल ही अब्राहम बिना जाने अपने देश तो निकल के एक अनजान देश नूं चल पिया। ईमान साडे लिए एक जिउंदी जागदी मिसाल है, जिस नाल असी अपने आप नूं खुदा नाल जोड़ सकते हैं, जिस नाल असी खुदा दी शक्ति नूं अपने विच महसूस कर सकते हैं, जिस नाल असी खुदा दी रक्षा नूं अपने विच महसूस कर सकते हैं। ते असी अज खास करके अपने ईमान दी पक्याई लई प्रार्थना करिए कि मेरे विच ओ विश्वास है, ओ ईमान है जिस दी अज प्रभु यीशु मसीह अंजील दे विच मंग करदा है, जिस ईमान दे द्वारा नबूकदनेस्सर हार गया,
ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸੱਚੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾਇਆ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਰੋਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਈਸਟਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਈਮਾਨ ਬਖਸ਼ੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਉਸਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰੀਏ। ਸਵਾਈਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੇ। ਸਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬਦਨਗੋ ਜਿਹਾ ਈਮਾਨ ਕਰੇ, ਕਿੰਨਾ ਪੱਕਾ ਔਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਈਮਾਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਬਚਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਚੁਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਵਾਈਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਈਮਾਨ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਗਾਈਏ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਸਵਾਈਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਂਗ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਗਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਬਚਾਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਦਾ ਸੇਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ। ਆਈਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਹੋ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਚ ਆਵੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਜਿਨਾ ਵੀ ਉਹ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਸਾਡਾ ਯਹੋਵਾ ਬਚਾਵੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਜਿਨਾ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਕਹੀਏ ਬੜੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਯਹੋਵਾ ਬਚਾਵੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਜਿਨਾ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਯਿਸੂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੀ, ਭੱਠੀ ਭਾਵੇਂ ਸੱਤ ਗੁਣਾ ਸੇਕ ਮਾਰਦੀ, ਹੋ ਯਿਸੂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੀ, ਭੱਠੀ ਭਾਵੇਂ ਸੱਤ ਗੁਣਾ ਸੇਕ ਮਾਰਦੀ, ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਉਹ ਵਖਾਵੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਜਿਨਾ ਵੀ ਵਖਾਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਕਹੀਏ ਬੜੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਯਹੋਵਾ ਬਚਾਵੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਜਿਨਾ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਚ ਆਵੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਜਿਨਾ ਵੀ ਉਹ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਸਾਡਾ ਯਹੋਵਾ ਬਚਾਵੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਜਿਨਾ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਜਿਨਾ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਇਹ
मानी रोटी दिती जिस विच हर तरह दा आनंद रस मिलदा है, असी प्रार्थना करी हे खुदा तू इस उत्तम सैक्रामेंट दे राही अपने दुख भोग दी की याद कर दिती है सानू अपने शरीर ते पवित्र लहू दे पेज दा इस प्रकार आदर करन दा फजल बख्श कि असी सदा मुक्ति दे फल नूं अनुभव करिए। तू जो जीवंदा ते राज करदा है सदा तू सदा तीक। आ